आज सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर के पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हम सबको प्रभु जी जीवित रखा, संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक जीवित रखा, संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन जो गुनाह जो गलती हुआ है पिता परमेश्वर, हम सबों के अपराधों गुनाहों को क्षमा कर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है वैसा सबों को पवित्र बना, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, जो जन सुनता है पिता परमेश्वर उसके जीवन में प्रभु जी चंगाई रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, और वो सब प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो शाम को सोते हैं पिता परमेश्वर उन्हें कंधे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, जो शैतान में डराता है धमकाता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके समर्थन नाम से खुदा ने बस आपके जलाली नाम से उनके जीवन से सारी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कोसों दूर होने पाए, हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि शैतान तेरे सामने थरथराता कांपता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अभी भी मसीह पिता परमेश्वर पाप में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके समर्थित नाम से खुदा ने मसीह आपके जलाली नाम से पिता परमेश्वर वो सारे बंधनों से आजाद हो सके, खुल सके पिता परमेश्वर, सारे बंधनों से वो खुल सके पिता परमेश्वर, और वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने दिल में तुझे ग्रहण करे पिता परमेश्वर, अपने दिल में सबसे पहला स्थान तुझे दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु उन्हें मजबूत कर अपने वचन में पिता परमेश्वर, वो पाप और सारे पाप गुनाहों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, पाप से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, उन पर तेरा आशीष और दया का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो हर एक मसीह पिता परमेश्वर जबकि तेरा वचन नहीं पढ़ता है पिता परमेश्वर, ना ही तेरी दुआ करता है, वो तो शैतान की चाल है पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान ही प्रभु जी सारा करता है। प्रभु जी मैं आप चाहती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मसीह पिता परमेश्वर तेरा वचन पढ़े पिता परमेश्वर और वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि शैतान को शैतान से लड़ सके पिता परमेश्वर। हम बार बार पाप करके परमेश्वर को लज्जित करते हैं, हम बार बार पाप करके परमेश्वर की बेइज्जती करवाते हैं, हमें प्रभु जी आप बना अपने जैसा बना पिता परमेश्वर, ताकि पाप करने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान तो चाहता है कि हम सब पाप करें और नर्क में जाएं, लेकिन सच्चा परमेश्वर तू है जो हम सबको पाप करने से रोकता है बचाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो यहोवा के पीछे चलता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, और जो यहोवा से कोसों दूर है वो लज्जित होता है। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु में विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होता है। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, चाहे जितना बड़ा संकट हो, यहोवा को पुकारो प्रार्थना में, यहोवा को पुकारो तुम्हारी प्रार्थना का जरूर 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 उत्तर देगा, क्योंकि यहोवा बहुत ही महान है। अगर आपके जीवन में कुछ पाप है तो यहोवा से माफी मांगो, ताकि आपके गुनाहों अपराधों को क्षमा कर सके और प्रभु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बन सको। हे पिता परमेश्वर, हर एक मसीह पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, जो हर एक मसीह वचन पढ़ता है पिता परमेश्वर उसके जीवन में वचन खाली न जाने पाए पिता परमेश्वर, 30 गुना नहीं 40 गुना नहीं पिता परमेश्वर, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, वचन में मजबूत होने पाए, वचन में प्रतिदिन बढ़ सके पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु जी उन सबों से बातचीत कर पिता परमेश्वर, सब हम प्रभु जी हम सब लोग पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर, जैसा तूने हम सबों से प्रेम किया उसी तरह हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर, जैसा तू है वैसा हम सबों को बना पिता परमेश्वर, जैसे अपनों से प्रेम करते हैं वैसे पड़ोसियों से प्रेम करें पिता परमेश्वर। प्रभु तो कहता है देने वाले बनो लेने वाले नहीं, हाँ प्रभु हम सबके हाथ देने वाला बना पिता परमेश्वर, लेने वाले नहीं, गरीबियों की हम सब सहायता करने पाए पिता परमेश्वर, जो गरीब है पिता परमेश्वर, जो बीमार है निराश है पिता परमेश्वर, आपके समर्थित नाम से पिता परमेश्वर की सारी गरीबी दूर हो सके पिता परमेश्वर, दूर हो सके प्रभु जी, तो महान है पिता परमेश्वर, तो दयालु है पिता परमेश्वर, सारे रोगों को चंगा करने वाला यहोवा तू है, जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, ट्यूमर से कैंसर से पिता परमेश्वर और भी कई तरीके की बीमारियां है पिता परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ प्रभु जी बढ़ा
और जहाँ जहाँ उनकी बीमारियाँ हैं अपने हाथों से छू ले ताकि वो ठीक हो सके, अपने आप को अच्छा महसूस करने पाए। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद और हेल्प कर पिता परमेश्वर, उन्हें किसी बात की पैसे वैसे की घटी न हो पिता परमेश्वर, उनका अच्छे से इलाज होने पाए पिता परमेश्वर, और वो तुझे जाने पिता परमेश्वर, तुझे पहचाने पिता परमेश्वर। जो हर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के समर्थित नाम से, यीशु मसीह के जलाली नाम से वो सारी बीमारियों से आजाद होने पाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी वो सारी बीमारियों से आजाद होने से पाए पिता परमेश्वर, उसके शरीर से सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कोसों दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमसे बहुत प्रेम किया है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर, हर एक प्रेम से तेरा प्रेम बड़ा है पिता परमेश्वर, तेरा जैसा प्रेम कोई नहीं दे पाया है ना देगा पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम बहुत बड़ा है। तूने हम पापियों के लिए अपनी जान दी है क्रूस पर पिता परमेश्वर, अपना पवित्र लहू बहाया है पिता परमेश्वर, पृथ्वी पर पाप ज्यादा था पिता परमेश्वर, इसीलिए तो धरती पर उत्पन्न हुआ पिता परमेश्वर, जन्म लिया ताकि इस धरती का पाप तू सह सके पिता परमेश्वर, हम पापियों के लिए, इस संसार के पाप के लिए पिता परमेश्वर तू सूली पर कुर्बान हुआ पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में पिता परमेश्वर, तेरे पैरों में कीड़े ठोके गए हैं पिता परमेश्वर, तू तो बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तू बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तू जैसा प्रेम कोई नहीं दे पाया है ना देगा पिता परमेश्वर, जैसा तू हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर, वैसे हम भी तुझसे प्रेम करें पिता परमेश्वर, हम सबों को प्रभु जी अपने जैसा बना, अपने जैसा बना खुदा ने सुमसी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा नाम की महिमा हो, तेरा नाम की तारीफ हो मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरा नाम की स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु जी हर मुसीबतों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी मुसीबत प्रभु जी आपके समर्थित नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ यीशु मसीह के भक्त जाते हैं उसके साथ उसके स्वर्गदूत रहते हैं सहायता और मदद करने के लिए, चाहे जितना बड़ा संकट हो बस तुम यहोवा को याद करो, यहोवा को पुकारो, वो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो मेरी प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी वचन लागू होने पाए पिता परमेश्वर, सारी बीमारियों से आजाद होने पाए पिता परमेश्वर, और वो तेरे प्रेम और तेरे प्रचार में बढ़े पिता परमेश्वर, उन सबको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, बरकत दे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ये आज की सुंदर से रात पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, हर मसीह को प्रभु जी तेरे पंखों तले में छिपाती हूँ, तेरी आड़ में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की छाया न पड़ने पाए पिता परमेश्वर, और वो सब प्रभु तेरे प्रेम और तेरे पहचान में हमेशा और प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि और ज्ञान दे, सबकी सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, और ये छोटी सी रात पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमीन।